फ्री तो अभी 7 साल पहले, जब से ये फ्री नहीं किया था तब के हम बस में नहीं जाते थे, 7 साल पहले पानी नहीं पीते थे हम लोग, 7 साल पहले बिजली नहीं यूज करते थे क्या? क्या हम इतने, यहाँ दिल्ली की जनता इतनी वो है कि अपने बिजली पानी का खर्चा नहीं ले निकाल सकती, जो केजरीवाल जी फ्री का लालच उनको दे रहे हैं 7 साल पहले। तो बना रहे हैं ना मैडम, 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली वालों ने। उम्मीद पे बनाया था जनता ने 7 साल पहले, सबको उम्मीद थी कि ये पढ़ा लिखा है आईएएस ऑफिसर है, कुछ नया करेगा। अब जनता का भ्रम टूट चुका है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है सबको, सब परेशान है। कल भी उन्होंने कहा कि इंजीनियर हूँ, अच्छे स्कूल में बना सकता हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में बना सकता हूँ। क्यों नहीं बनाए 7 साल में, क्यों नहीं बनाए? कौन सा नया स्कूल बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, बताइए? जो स्कूल है उन्हीं में हमने शिक्षा में ये किया वो किया, कोई एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने नया बनाया। केजरीवाल जी ने आज तक कौन से वायदे पूरे किए हैं? किसी एक वायदे पर पूरे उतरे हो तो बता दीजिए आप, आपको अगर पता हो। हमें तो लगता है कि दिल्ली को उन्होंने पेरिस लंदन बनाने की बात की थी, उन्होंने शराब की नगरी बना दिया। जो 21 वर्ष के युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए था, उन्हें नरक के गर्त में धकेल दिया, क्योंकि देश का भविष्य युवा है। युवा को प्राचीर संभालने का राष्ट्रभक्त देशभक्त होना चाहिए, वो नशे में डूबा हुआ है। पंजाब को मुक्त करने के लिए निकले थे कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, पंजाब खुद नशे में डूबा हुआ है, खालिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। ये जयचंद गद्दारों से कम नहीं है, ऐसे जयचंद गद्दार पहले भी थे, अभी भी हैं। भाई साहब, कट्टर ईमानदारी के परचम ही तो लहरा रखे हैं उन्होंने। उनके सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं रेपिस्ट से, ऐसे ऐसे उनके कारनामे हैं। शिक्षा में घोटाला, शराब का घोटाला, सड़कों का घोटाला, न जाने कितने घोटाले हैं। मतलब घोटाले खोदो तो घोटाले ही निकलते हैं। ऐसी पहले सरकार घोटालों की एक और आई थी, कांग्रेस की सरकार। मोदी जी आए तो कांग्रेस भाग गई, अमित शाह जी आए तो गद्दार भाग गए, और योगी जी आएंगे तो पता नहीं है जितने भी जेहादी हैं ना वो सब बिलों में छिप जाएंगे। ओवैसी कहता था कि मोदी योगी आएंगे तो तुम्हें पहाड़ों में भागना पड़ेगा। वो कंडीशन हम इनकी लाने वाले, क्योंकि ये तो दो तरफा दो मुआ सांप है केजरीवाल, जो आप जानते हैं। अब केजरीवाल कहते हैं कि मेरे आने से मोदी जी की तो नींद उड़ी हुई है, देख रहे हैं कहीं केजरीवाल ना आ जाए 2024 में। अरे भाई साहब, गुजरात से तो इन्हें अपना बोरिया बिस्तर भाग के ये बांध के आ चुके हैं। इनको अपने दिख गया कि हमारा नक्शे में कहीं भी कोई भी प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोहरा खेल खेल रहे हैं। मस्जिदों और मंदिरों में जब आप दिल्ली की जनता के साथ दोहरा षड्यंत्र रच रहे हो, मंदिरों में आप तनख्वाह नहीं देते और मस्जिदों में आप तनख्वाह देते हो मौलवियों को, तो ये दोहरा चरित्र आपका जनता के सामने आ चुका है। तो महिला है, महिलाएं तो बसों में घूम रही है, वो तो खुश होती है कि केजरीवाल पूरी दिल्ली फ्री में घुमा रहा है। भाई साहब, ये फ्री फ्री के चक्कर में वेनेजुएला देश बर्बाद हो गया। फ्री तो अभी 7 साल पहले, जब से ये फ्री नहीं किया था तब के हम बस में नहीं जाते थे, 7 साल पहले पानी नहीं पीते थे हम लोग, 7 साल पहले बिजली नहीं यूज करते थे क्या? क्या हम इतने, यहाँ दिल्ली की जनता इतनी वो है कि अपने बिजली पानी का खर्चा नहीं ले निकाल सकती, जो केजरीवाल जी फ्री का लालच उनको दे रहे हैं 7 साल पहले। तो बना रहे हैं ना मैडम, 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली वालों ने। उम्मीद पे बनाया था जनता ने 7 साल पहले, सबको उम्मीद थी कि ये पढ़ा लिखा है आईएएस ऑफिसर है, कुछ नया करेगा। अब जनता का भ्रम टूट चुका है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है सबको, सब परेशान है। कल भी उन्होंने कहा कि इंजीनियर हूँ, अच्छे स्कूल में बना सकता हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में बना सकता हूँ। क्यों नहीं बनाए 7 साल में, क्यों नहीं बनाए? कौन सा नया स्कूल बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, बताइए? जो स्कूल है उन्हीं में हमने शिक्षा में ये किया वो किया, कोई एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने नया बनाया। पर दिल्ली मॉडल के फोटो तो वहाँ अमेरिका में छप रही है। फोटो एडवर्टीजमेंट के तो एक्सपर्ट हैं, एडवर्टीजमेंट तो जितनी मर्जी करवा लीजिए, अब सारा दिल्ली में जगह जगह एडवर्टीजमेंट ही दिखाई देगी आपको। लग रहा है टक्कर देंगे मोदी को, कहीं टिकेंगे ही नहीं। मोदी जी को टक्कर कैसे दे सकते हैं केजरीवाल, जो अभी पता लग जाएगा। मोदी जी को टक्कर देने वाला ना पैदा हुआ ना होगा, अभी तक तो मुगलों के कालखंड से देखते आ रहे हैं, जो ऐसे ऐसे धराशायी हुए ना वो सब मुंह के खाके गए हैं, तो केजरीवाल हमारे सामने नहीं टिक पाए। राहुल गांधी है उधर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आजकल। अरे राहुल गांधी जी को तो पूछो ही मत, राहुल गांधी जी किसी नक्शे में दिखाई देते हैं आपको?
की यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो, वो अपनी कांग्रेस को ही जोड़ लें वही बहुत है। भारत जोड़ो, भारत कौन सा टूटा हुआ उन्हें नजर आ रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार तो वो बनाते हैं, मुसलमानों को तो वो देते हैं जितना भी वो करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार वो थी या केजरीवाल की सरकार है? 8 साल में जो भाईचारा था वो खत्म हो गया? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो खत्म हो चुके हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों काबिलियत नहीं दिखाई देती आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी जी यहाँ की पैदाइश ही नहीं है। राहुल गांधी भगवा भगवा पहन रहे हैं, मोदी जी के जैसे दाढ़ी भी रख ली है, बच्चे भी खिला रहे जैसे मोदी जी करते हैं। अब उनको अपना जो चरित्र है ना, चरित्र और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उन्हें भगवा भी ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भैया इस भगवे से ही काम चलेगा। इस भगवे के ओढ़ तो लिया उन्होंने, ओढ़ तो लिया, तो उस ओढ़ने से उनका काम नहीं चलेगा। वो अगर मंदिरों में मत्था टेक लें या इसको ओढ़ लें, इसको जो दिल से ओढ़ता है ना, ईमानदारी से ओढ़ता है, उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। ये दिखावे का चरित्र यहाँ नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है। की बात हो रही कि सिलेंडर 500 में मिलता था, 1200 में तो कर दिया मोदी जी ने। तो उन्होंने कौन सा उसमें दिए थे? उन्होंने क्या किसी को अरेंज कराए थे कि भाई 400 में और 300 में दिए थे? जिस समय उनके कार्यकाल में महंगाई थी, उनकी सरकार क्यों नीचे आई? उनके कार्यकाल में भी महंगाई थी। हमारी सरकार ने मंदिर जितने भी हैं, मस्जिद हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, पुलवामा अटैक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जितने भी वादे किए हैं ना, सब पे खड़े उतरे। आप एक तो बता दो इनके कारनामे कि इन्होंने कोई काम किया हो। रोजगार नहीं दिया, महंगाई सबसे ज्यादा, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 6 दिनों का वादा किया था, वो नहीं आए। भैया रोजगार इतने जो ये मेड इन इंडिया का सपना मोदी जी ने दिया है, ये साकार करने के 135 करोड़ के देश में ना तो कोई सरकार ऐसी हुई ना होगी कि रोजगार 2 करोड़ लोगों को हर महीने उपलब्ध करा सके। इसीलिए उन्होंने हमें पिछले पैटर्न पे लौटना होगा, जब हम अपने रोजगार स्वयं खोके अपने हाथ पैरों पे कुल्हाड़ी मार के या दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना होगा, अपना साकार स्वयं साकार करना होगा। वो कहते हैं कि आप जॉब सीकर बनो ना कि जॉब लेने वाले बनो, आप दूसरों को जॉब दे सको इस तरह का आप काम करो। तो वो हस्त शिल्प कला क्षेत्र में इतनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, नया मॉडल उन्होंने स्थापित किया, और क्या चाहिए आपको? मैडम क्या लग रहा है, हैट्रिक लगेंगी 2024 में मोदी जी की या नहीं लगेगी? हैट्रिक लगेगी, 100% लगेगी। भारत की जनता बेताब है हैट्रिक लगाने के लिए। जरूर बदलाव क्या देख रहे हैं आप बदलाव की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व पटल पर मोदी जी के आने के बाद भारत का नाम रोशन हो गया। अब आप अभी देखिए, ये जो भारत के झंडे के नीचे पाकिस्तान जैसे देश के लोग भी बच के आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बदलाव क्या चाहिए आपको बताइए? आपको सबसे अच्छा काम क्या लगा मोदी जी का? सबसे अच्छा काम मुझे यही लगा कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम फिर से रोशन कर दिया। और अगर मोदी जी की हैट्रिक लग गई, तीसरी बार भी हम आएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, अगर ये सारा गठबंधन एक हो जाता है, नीतीश कुमार बिहार से आ जाते हैं, इधर से केजरीवाल है, उधर से राहुल गांधी है, फिर लग नहीं रहा है, रुक जाएगा? हो ही नहीं सकता भैया। ये ऐसा है, जब इनको लगता है कि मोदी को मात नहीं दे सकते हम, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। जब आपको कानों में ये आवाज आने लगे ना कि देश का संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में, तो आप समझ लेंगे ना देश के चौकीदार ने एक चोर और पकड़ लिया। अच्छा, मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने काम बता रहे हैं, कुछ लोग फिर भी मोदी जी से नफरत करते हैं, उसके पीछे क्या वजह दिखाई दे? दोबारा रिपीट करें। निजी स्वार्थ, और कुछ नहीं, निजी स्वार्थ। जो देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, वो मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जिनका निजी स्वार्थ है वही मोदी जी की बुराई कर सकते हैं, और कोई नहीं। क्या वजह दिखाई देते हैं जो लोग मोदी जी से नफरत करते हैं? मोदी जी से नफरत क्योंकि उनको पता है कि अब मोदी जी एक एक चोर को पकड़ के कारागार में डाल रहे हैं, उनकी पूरी जांच होती है, इंक्वायरी होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसे ही बोला और कर दिया, ऐसा नहीं है, पूरी कार्रवाई के तहत उनको अंदर किया जाता है। इसलिए सब घबराए हुए हैं कि मोदी जी जो जबरदस्ती हमें वो कर रहे हैं, ऐसा